अंतर्गत किनगाव इथे श्रमदानातून अनेक विकास कामं करण्यात येत असल्याची माहिती उपसरपंच कल्याण चव्हाण यांनी दिली आहे. कल्याण चव्हाण यांनी सांगितलं की पाणी फाउंडेशनच्या वतीनं ग्रामीण भागात पाणी टंचाई दूर करण्याकरता अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यापैकीच एक उपक्रम आदर्श गाव योजना आहे. सदरील योजनेत विकास कामासाठी शासन किंवा पाणी फाउंडेशनच्या वतीनं कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. फक्त सदरील संस्थेचे तंत्रज्ञ गावात येतात आणि पाहणी करून पाणी साठा करण्याकरता कुठे आणि कसा बांधारा बांधायचा याबाबत सल्ला देतात. किनगावच्या रहिवाशांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1,50,00,000 एक बंधारा श्रमदानातून बांधला आहे, ज्यामुळे दुष्काळ काळात त्यांच्या गावामध्ये पाणी टंचाईची समस्या सुटली असून शेजारच्या इतर गावांना सुद्धा तिथून पाणी पुरवठा करण्यात आलाय. श्रमदान से हमने पूरे सब जो गाँव वाले हैं सबको इकट्ठा करके श्रमदान से पहला बंधारा बनाया, बांध बनाया, सीमेंट बंधारा. जो बंधारा वहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारी बोलते थे ये नदी पे हो नहीं सकता, वहाँ पे भी हमने उनके मार्गदर्शन के नीचे बांध बनाया. उसके बाद में हमने बिन विरोध ग्राम पंचायत, बाद में इको विलेज योजना में पदार्पण, इको विलेज योजना. उसके बाद में हमने आदर्श गांव योजना के तहत हमारे किनगांव में जल संधारण का माथा से पाई था, जो जल संधारण का मूल मंत्र है कि जो भी पानी गिरेगा, जो बूंद बूंद गिरेगा, वो वहाँ पे जमीन में अकाउंटेड होना चाहिए, जमीन में परकुलेशन होना चाहिए. इसके लिए माथा पे हमने डीप CCT, उसके बाद में लूज बोल्डर्स, अर्दन, गैबियन स्ट्रक्चर, बाद में सीमेंट नाला पर और खेत में बांध बंदिश थी जिसको कंपार्टमेंट बंडिंग बोलते हैं. पोपटराव पवार साहब उनके मार्गदर्शन के नीचे हमने पूरे किए. इसके बाद में जब पानी फाउंडेशन की शुरुआत हो गई पिछले साल में, तीन तालुके अपने महाराष्ट्र के उसमें पानी फाउंडेशन में लिए गए थे. आमिर खान साहब ने इस साल 30 तालुके में से 30 गांव ये करने के 30 तालुके में से 300 गांव ये करने का सोचा था. वो हिसाब से हमने फुलंबरी तालुका उसमें लेके फुलंबरी तालुके में जो पानी की किल्लत है वो हमेशा के लिए दूर होना चाहिए, इसलिए हमने प्रयास करके फुलंबरी तालुका लेने को ये किया है, आग्रह किया था. किनगांव की तो पानी की जरूरत तो पूरी होती है, उसके साथ में वारेगांव के भी जो खेती वगैरह है उसको भी पॉपुलेशन होती है, उनका भी फायदा हो गया. और ये बंधारा बंधा हुआ है, इसे इरीगेशन के लिए भी आप लोग पानी इस्तेमाल करते हैं? इरीगेशन के लिए डायरेक्टली लिफ्ट नहीं करते, जो पॉपुलेशन के माध्यम से बावड़ी को आता है वही पानी खाली डायरेक्टली कोई भी पानी लिफ्ट नहीं करता.